है, देसी है और थोड़ा फार्मी है, ऐसी तस्वीर ज्यादा अच्छी है। इनका साइज इसका साइज देखें और इसका साइज देखें, कितना ज्यादा फर्क है, ये उसका आधा भी नहीं है। आपसे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अभी अभी हम लोग ट्यूशन से अब पढ़ के आए थे और हम घंटा खेलने आते हैं, और मैं आया मैं का एक शतूत की वीडियो बना ले। ये शतूत है, ये बहुत चीज़ों में जरूरत काम आते हैं, ये रेशम के कीड़ों को भी खिलाते हैं, ये रेशम के कीड़ों को भी खिलाते हैं, और इसे हम लोग भी खाते हैं, रेशम के कीड़ों को भी खिलाते हैं, और इसे हम लोग एक और चीज़ इसके पत्ते रेशम के कीड़े खाते हैं, और ये इससे टोपियाँ भी बनती हैं इसकी लकड़ियों से, ये बहुत चीज़ों में ज़रूरत आते हैं, हम लोग भी खाते हैं रेशम के कीड़े। और ये अभी थोड़े यहाँ से रेड नहीं है, ये पूरा का पूरा यहाँ से रेड हो जाता है, लेकिन अभी भी इसके अंदर टेस्ट होगा, यहाँ से खट्टा होगा और यहाँ से सारा मीठा होगा, यहाँ और भी देख लो यहाँ से पूरा पका हो। ये सारा पूरा का पूरा पका हुआ है, ये मीठा ही बहुत ज़्यादा मीठा होगा। हाँ, ये पिछला खट्टा था, यह मीठा है, और यहाँ और भी हैं, कल ज़्यादा थे लेकिन आज इन्होंने शायद छोड़ लिया, कल बहुत ज़्यादा थे और आज थोड़े, एक वो ये भी लगा हुआ है, ये भी है, ये यहाँ से थोड़ा सा पका नहीं हुआ, ये थोड़ा खट्टा होगा, इसे हमें धोकर खाना चाहिए। अभी मैं तो आप लोगों को दिखाने के लिए खा रहा हूँ ना, ये छोटा सा फूल पका हुआ है यहाँ से, जो सबसे ज़्यादा मीठा ये है, और यहाँ और भी है, ये नीचे नीचे ये नीचे इस साइड पे ज़्यादा, उस साइड पे थोड़े हैं, इस साइड पे ऊपर ज़्यादा पके हैं, क्योंकि ऊपर किसी का हाथ ही नहीं पहुँचता, ऊपर किसी का हाथ नहीं पहुँचता, ऊपर ज़्यादा है वो ऊपर, क्योंकि मेरा हाथ ही नहीं पहुँचना, ये इधर थोड़े थोड़े पके हैं, ये इस तरह। पौधा हमारे घर के बिल्कुल सामने ये पौधा है, और इस पे बड़े बड़े लगे हुए हैं शतूत, ये लेकिन इस पे कम पके हुए हैं, उस पे बहुत ज्यादा पके हुए थे, इधर आंटियां तोड़ के ले जाती हैं, और भी इधर नहीं, इधर थोड़े थोड़े पके हुए हैं, इधर ज्यादा नहीं पके हुए, ये सुबह टाइम पके हुए थे लेकिन इस टाइम है ही नहीं, उस साइड में जाके देखते हैं, दोस्तों इस साइड में भी नहीं है, ऊपर लगे हैं, ऊपर किसी का हाथ नहीं पहुंचना था, इसलिए ऊपर पके हुए हैं, एक वो पका हुआ है, ये मतलब कि ये भी अभी आधा कच्चा है, और दोस्तों ये बहुत मुख्तलिफ अकसाम के होते हैं, इनका साइज बड़ा है, वो छोटे छोटे थे, उसने पहली दफा होंगे ना फूल पहले दोस्तों, अब जाके मार्केट से भी इनके प्राइस का पता करते हैं कि मार्केट में क्या इनकी प्राइस है, इधर तो हमारे घर के सामने हम लोग तोड़ के खा लेते हैं, और मार्केट में जाके पूछते हैं कि हाँ जी है जी, नवी गर्मी की सौगात है, ये जी नवा फल आया है शतूत, यदि तस्वीर बहुत ठंडी होती है, तकरीबन यदा मार्केट रेट दे रही है 250 से 300 किलो, बहुत अच्छा फल है, लिहाजा इन गर्मी में इस्तेमाल करो, सेहत वास्ते बहुत मुफीद है। ये भी है जी, दो तीन किस्म ने, एक है गोल है जी, है गोल है, एक लंबा होता है तकरीबन 2.5 to 3 inches का होता है, और चीज़ है, और चीज़ है, यह बहुत अच्छा है, यह देसी है और थोड़ा फार्मी है, इसकी तस्वीर ज़्यादा अच्छी है, मार्केट का रेट तकरीबन अजे नहीं दे रही, यदा वैसे 2.5 to 3 inches दरमियान जो रेट है, बहुत अच्छा और मेरे वास्ते बहुत अच्छी चीज़ है, नवा फल है, इस वास्ते इस्तेमाल करो ज़्यादा। ये मुझे 3 तरह के मिले हैं मार्केट से,
ये सबसे पहले इसे देसी कहते हैं दोनों को, ये सबसे छोटे हैं, ये उससे बड़े हैं, ये भी देसी हैं, ये भी देसी हैं, ये फार्मी है, ये सबसे बड़े हैं। इनका साइज इसका साइज देखें और इसका साइज देखें, कितना ज्यादा फर्क है। ये उसका आधा भी नहीं है, वो आधे से भी छोटा है। ये कोई आधा पॉइंट है, ये आधा पॉइंट है ये, और ये सबसे बड़े हैं। ये मुख्तलिफ वैरायटी होती है इनके, सबसे छोटी उससे बड़ी, सबसे बड़ी। ये मैं टेस्ट करके देखता हूँ ये कैसे है। ये वाला मीठा है, मेरा बहुत ज्यादा मीठा है, वैसे टेस्ट करके देखना। ये जो छोटे है ना, ये जैसे थोड़े थोड़े खट्टे हैं, ये नॉर्मल ही है। इनका तो ज्यादातर टेस्ट भी नहीं आता कभी कभी। जो पहले खाया था, ऐसे ही पहले खाया था, वो उसका टेस्ट था, इसका टेस्ट नहीं है। सबसे ज्यादा टेस्ट इसमें है, इसमें, फिर इसमें आता है, फिर इसमें, क्योंकि ऐसे ही छोटे से बड़ा है तो इनका टेस्ट भी छोटे से बड़ा ही है। और ये आधा मैंने देखा ही नहीं, आधा है यहाँ से सारा, ये आधा पका हुआ है, आधा कच्चा है, ये यहाँ सारे पके हुए हैं। हाँ जी, ये सबसे ज्यादा पका हुआ, ये सबसे ज्यादा मीठा है। मुख्तलिफ वैरायटी होती है, तो मुझे तीन मिली है। दोस्तों हमें इसे लगाना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फायदे हैं। सबसे पहले ये हम लोग खाते हैं, दूसरा ये रेशम के कीड़े खाते हैं। ये जो पत्ते होते हैं, पत्तों के ऊपर जो कीड़े बैठे होते हैं ना, वो रेशम के कीड़े खा रहे होते हैं। और तीसरा इनकी जो होती हैं वो द्वारा, और वो उससे हम लोग टोकरियाँ बनाते हैं, जो बड़े बड़े टोकरे भी होते हैं, छोटी टोकरियाँ, मीडियम साइज, छोटा साइज, हर किस्म के। और हम लोग ये मेडिसिन के लिए भी काम आता है। सबसे पहले तो इसका होता है तुसिया, तुसिया जो गला, जब भी गले में कोई खराश वगैरह आ रही है तो वो पी के ठीक हो जाता है। सबसे ज़्यादा वो बनती है इससे, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि उसके पेज पे लिखा। दोस्तों ये वाली हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ऐसी मजीद वीडियो चाहती हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ओके।